जब हमें पूरा नवाड़ा की खुशी हुई, जब हमारे गांव जनेटा की बहू ने ज्योति पानू जी ने जो हमारा कारण दबा के दी। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं जो आप गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं। जैसा पहले देखा जाता है कि जो बेटियां हैं वो गोल्ड मेडल या अन्य मेडल जीत कर आते हैं, लेकिन एक बहू के द्वारा मेडल जीत कर आना, किसको श्रेय देना चाहोगे? मेहनत जो की गई है, किसको श्रेय देना चाहोगे इस मेहनत से? मैं अपने माता पिता को, मेरे कोचों को अपना श्रेय देना चाहूंगी। उनकी इतनी मेहनत करवाने के बाद मेरा ये रिजल्ट आया है। अच्छा। और मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। मुझे दोनों परिवारों ने बहुत ही साथ दिया है, सहयोग किया है हर चीजों में। कहाँ ये प्रतियोगिता हुई, कितनी का जो आपने जो टीमों के साथ मुकाबला किया? मैंने चार टीमों के साथ मुकाबला किया था, चार अलग अलग अन्य यूनिवर्सिटियों से थी। वो फाइनल कहाँ हुआ? फाइनल मोहाली के अंदर हुआ है। हाँ, मोहाली। अच्छा, तो लास्ट में जैसे जो फाइनल हुआ उसमें आपने क्या ऐसा टफ मुकाबला भी देखना पड़ा? मुकाबले पर लगता था? हर मुकाबले में, हर जो में चैलेंज था हर वो पार किया मैंने। वो मेरा मेहनत जो मेरे गुरुजियों ने या कोचेज ने करवाई है उनके से मैं। शादी हो रही है, बोला जाता है शादी के बाद है जो वो जोश नहीं रहता है। क्या आपके हस्बैंड ने, आपके परिवार ने आपको जो सहयोग किया, आपका सपोर्ट किया? जितना पहले था मेरे को उससे कहीं ज्यादा मिला है। शादी के बाद बहुत सहयोग मिला है, हर एक चीज को मैंने बराबर वो किया है पूरा। तो जैसे आपने कोचिंग दी, फिर कब से आप इनको कोचिंग दे रहे थे? ये एक साल से हमारे पास है अभी, और बहुत अच्छी लड़की है, सिंसियर है, ईमानदार है, मेहनती है, और इसके साथ ससुर है जो वो भी पूरा सहयोग करते हैं। इनके पति हस्बैंड है, हमेशा इसके साथ रहते हैं। तो लड़की का ऐसा नहीं कि शादी होने के बाद उसका खेल नहीं होता, शादी होने के बाद ही खेल हो सकता है। ये उन्होंने करके दिखाया और उसके परिवार ने इसको खूब सपोर्ट किया। पहले तो आपको शुभकामनाएं। ये पहली बार देखा है कि एक बहू गोल्ड मेडल जीत कर आई है, आपका कितना मतलब श्रेय है इसको लेकर, कितनी मेहनत? क्योंकि कई बार ऐसे कहते हैं शादी होने के बाद नहीं करना, तो आपने मतलब कितना? शादी होने के बाद पहले भी बढ़िया प्रैक्टिस किया करती, बोर गुना फायदा होना है, मतलब शादी होने लगे जितना उसको। अच्छा, तो आप भी गेम करता था? एक डेढ़ साल पहले शादी के बाद मैंने छोड़ दिया, और छोटा भाई है दोनों। अच्छा, शादी के बाद मतलब इन्होंने आपसे बोला भाई मैं गेम? ना, पहले से करती है, पहले ही बार मतलब इंटरनेशनल है, पहले भी कई साल से प्रैक्टिस कर रही है, और पहले ही बोर्ड नेशनल मेडल है। अब तो ये शादी के बाद मतलब तीसरा चौथा कंपटीशन था, तो इसलिए फर्स्ट आने के बाद प्रोग्राम। तो जैसे बहू गांव की है तो जीत कर आई है, बहुत जश्न का माहौल है, आपको कैसा लगा? स्वागत किया था, बहुत खुशी है, गांव में पहली बार प्रोग्राम हुआ है, बहुत ज्यादा खुशी। अच्छा, शादी के बाद है आगे ये गेम करेगी, आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी? ना यार, पहले तो बेटा था इस बात का, तो पहले तो प्रैक्टिस करे हैं, तो आगे भी इसमें कोई दिक्कत ना थी, पहले तो कन्फर्म थी, ये कन्फर्म था। आप क्या कहना चाहोगे गांव भाई? मैंने तो बहुत बड़ी खुशी हो रही है, हमारी बेटी मेडल ली आई, इतना बड़ी खुशी की, सारा गांव राम, मेरा गुआंढ भी खड़े हैं साथ में। तो जैसे करते रहेंगे तो कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, बेटियों को भी खिलाना चाहिए, आगे शिक्षा देनी चाहिए, कबड्डी खेलो, कुश्ती करो। तो लाइव तस्वीरों में आपके एक बहुत साहिबान है, और पूरा जो काम राम है वो इनके साथ है, इनको ऐसे सुनील इधर करो चेहरा पहुंचे जोरदार क्या है आपका काम बोलेगा। आप सिर्फ मेहनत करो, जीवन में सफल होना है। हमारी न्यू जनरेशन को बोल रही हूँ, हमारे बच्चों को, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो पांच बातों को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो हमें कामयाब होने नहीं देते। सतपाल मोर जी, देवी ज्योति जी का हौसला बढ़ा।
जो आप तरफ से जो पंजीर पर इधर देखियो जी थोड़ा ज्योति सहलवान को रिक्वेस्ट हुई वो भी साथ में आए थे ज्योति सहलवान जी का सम्मान करते हुए समस्त ग्रेडा ग्राम की तरफ से 71,000 की सम्मान राशि देते हुए मारा कारण दबा के भी दादा ईश्वर ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है इनके समाले करो थोड़ा सा ऊपर उनके का स्मैक किए हैं कि सबसे पहले मैं आज की हमारी सभा के अध्यक्ष हमारे खाप के दादा नफा सिंह के सपुत्र श्री ईश्वर सिंह नैन जी की इजाजत से शुरू करता हूं और हमारे बीच में पहुंचे पानो खाप प्रधान श्री जो हरियाणा डेलीकॉस हरियाणा स्पेशल जो ये न्यूज चैनल पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये पीने की जो फास्ट फूड की चीजें हैं सबका मन करता है खाने को की जो बहू है वो गोल्ड मेडल जीत कर आया कितना गर्व महसूस कर रहे हैं हमने ये बात सुनी थी कि हमारे गांव जुनेड़ा है जो नवाड़ा गांव का उनकी पुत्र वधू राजेश जी की और अंकित जी हैं इनके घरवाले और ये कोच जी हैं जब हमें पूरा नवाड़ा की खुशी हुई जब हमारे गांव जुनेड़ा की बहू ने ज्योति पानू जी ने जो हमारे नवाड़ा का हमारे गाँव का पूरे हरियाणा का जो मान सम्मान गर्व से ऊंचा जो सिर किया है हम उनका धन्यवाद करते हैं उनके माता पिता का और उनके घरवाले का उनके कोच मुद्दे का हम धन्यवाद करते हैं पूरे नवाड़ा समाज की तरफ से क्योंकि जो ये मान सम्मान आज हमारे नवाड़ा का हुआ है ये कोच साहब की वजह से और हमारे इस राजेश के परिवार की वजह से हुआ है हम बद्दवा टोल कमेटी की तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं और जो भी हमारी जो हमारी बहू बेटी है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो हमारे बच्चे हैं उनसे सीख लेनी चाहिए ज्योति का मतलब होता है लगातार जो उज्ज्वल ज्योति उसको बोलता है जो लगातार चलता है 24 घंटे उसी की प्रेरणा करते हुए लगातार हमारे बच्चों को ज्योति की तरह एक शिक्षा लेनी चाहिए उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो भी ज्योति की तरह पूरे हरियाणा में हमारे गांव का नाम रोशन करें आपकी पुत्र वधू जो ने ट्रॉफी के साथ और जो स्वागत किया गांव की तरफ से आप कैसा महसूस कर रहे हैं नमस्कार सर धन्यवाद सभी देखने वाले को धन्यवाद मैं मेरे गाँव करता हूँ मेरे और मेरे बेटे को इतना बड़ा मान सम्मान गांव ने दिया शायद ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए बहुत कम लोग हैं जो शादी होने के बाद अपनी बहू को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग करते हैं और उसमें राजेश जी हैं इनके पति हस्बैंड हैं जो अंकित जी हैं खूब इनका सहयोग करते हैं ये प्रैक्टिस करती है और उनके बादाम तैयार मिलते हैं कभी मक्खन तैयार होता है कभी कुछ तैयार हो रहा है तो उनको आगे से आगे इनके सुविधाएँ खाने की पीने की इनकी देही दबाने जब पहलवान थक जाता है तो पैर दबाना हाथ दबाना तो पूरी तरह से एकदम ये सोच लो कि लड़के की तरह इनकी तैयारी करा रहे हैं सर नमस्कार तो आपकी बेटी ने आज जो इतना बड़ा मान सम्मान प्राप्त करे आप कैसा लग रहा है जी पानो समाज में ऐसी ऐसी बच्चियां आएंगी तो हमारा और भी सिर ऊंचा रहेगा इससे हमारे बहुत खुशी है जो हमारी बेटी इतना हौसला अफजाई करे है हमारे को बहुत महसूस हो रहा है कि ऐसी बच्चियां हमेशा आनी चाहिए हमारे पास और आगे बढ़ावा देने बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे ग्राम पंचायत को शुभकामनाएं सारे जो जितने इस मंच पर बैठे थे उनको शुभकामनाएं जितने अतिथि आए उनको सब कामनाएं ज्योति को सब शुभकामनाएं ये बदलाव कैसा आप देख रहे हैं ये तो समय का बदलाव है जी समय हाँ जो अब समय वो नहीं रहा मतलब अब समय मतलब आगे बढ़ने का समय आ गया गोल्ड मेडल लेकर आई है ये गोल्ड मेडल एक दो दिन और भी बाकी रह रहे हाँ और अभी और भी प्रोग्राम प्रोग्राम देते हुए मैं हम तो काफी दिन के धन्यवाद जय हिंद धन्यवाद करता हूँ मैं लड़की का और मेरे इस परिवार खानदान रिश्तेदार का बहुत बहुत धन्यवाद और भी आएंगे मॉडल जो जवान छोरे तैयारी करते हैं ठीक है बहुत